श्री नरेंद्र मोदी जी इस पावन अवसर पर तेलंगाना जनता को संबोधित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। ई सबको विचेसिना रैतुलु सोदरा सोदरी मनुलकु नमस्कार। तेलंगाना की गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी श्री किशन रेड्डी जी, भगवंत खूबा जी, संसद में मेरे साथी बंदे संजय कुमार जी, श्री वेंकटेश देसा जी, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, रामागुंडम की धरती से पूरे तेलंगाना को मेरा आदरपूर्वक नमस्कार। और अभी मुझे बताया गया और मैं अभी टीवी स्क्रीन पर भी देख रहा था कि इस समय तेलंगाना की 70 विधानसभा क्षेत्रों में 70 असेंबली सेगमेंट में हजारों किसान भाई बहन वे भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं इन सभी किसान भाइयों बहनों को भी उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास तेलंगाना के लिए हुआ है। ये परियोजनाएं यहां खेती और उद्योग दोनों को बल देने वाली है। फर्टिलाइजर प्लांट हो, नई रेल लाइन हो, हाईवे हो, इनसे उद्योगों को भी विस्तार मिलेगा। इन परियोजनाओं से तेलंगाना में रोजगार के नए अवसर बनेंगे।